अब इसमें हमने जो प्याज ब्राउन की थी उसका पेस्ट बना के इसमें मिलाएंगे। इसे भी हमें भूनना है दही के साथ ही। देखिए फ्रेंड्स, ये तकरीबन 80-90% बन चुका है, तेल छोड़ रहा है। अब इसकी जो अभी ये कम्प्लीटली भुन चुका है, अब इसमें जो तरी आएगी इसे हम निकाल लेंगे। इसका जो ये रोगन निकालने का कारण ये है कि जब इसमें हम आलन लगाएंगे तो ये गायब हो जाती है, तो फिर अच्छा नहीं लगता। सर्विंग के टाइम इसे हम शामिल करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें हमने 2 चम्मच चने का, भुने चने का आटा लिया है पीस के पाउडर। इसे हम घोलेंगे पानी डालकर। इसमें गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए, आराम से ही हमें धीरे धीरे पानी मिलाते हुए घोलना है इसका पेस्ट सा बना के। फ्रेंड्स, मैं भूल गई थी, इसमें हमें चने का आलन ना लगा के गेहूं के आटे का लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि चिकन में उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। ये चने का मटन में, बीफ में चल जाता है, लेकिन आप कोशिश यही करें कि आटे का लगाएं। 2 चम्मच आप गेहूं का आटा डाल लेना। अब इसे हम मिलाएंगे इस नहारी के अंदर। ग्रेवी हमें अपने हिसाब से रखनी है, जिसको जितनी पसंद हो उतना इसमें पानी ऐड करें। ग्रेवी अपने हिसाब, कोई ठीक पसंद करता है, हमारे हिसाब से हमारे लिए ग्रेवी ठीक रहेगी। अब हमें पानी नहीं मिलाना है इसमें ज़्यादा, बस ये पाउडर डाल देना है चने का, आटे का। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और चलाएंगे। अब हमने इसकी गार्निशिंग के लिए अदरक के जूलियंस लिए हैं, हरी मिर्च और हरा धनिया और 1 नींबू काट के लिया है। जब हमने चने का पाउडर ऐड किया था तो हमने इस नहारी को खुले में 15 मिनट पकाया है। अब ये पककर तैयार है सर्व करने के लिए। फ्रेंड्स, देखिए अब हम इसे सर्व करेंगे। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। एक बार आप हमारे तरीके से ज़रूर बनाइए फ्रेंड। इसका कलर देखिए कितना अच्छा है। जो हमने रोगन टिफिन में निकाल के रखा था, अब इसमें हम डाल देंगे ऊपर से। और ये अदरक के जूनियंस डाले हैं हमने, हरी मिर्च डाली है और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। जब आप खाएंगे तब आप नींबू निचोड़ के खा लेना। देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी है ये नहारी, चिकन की नहारी। ये बहुत जल्दी बन जाती है। फ्रेंड्स, आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ, नान के साथ, जो आपको पसंद हो उसके साथ खाइए। बाय बाय फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल।